पूर्णिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के चुनाव कार्यालय में पुलिस ने दबिश दी है। मामला चुनाव प्रचार गाड़ी से जुड़ा हुआ है। पप्पू यादव का आरोप है कि सभी प्रचार वाहन का उन्हें आदेश प्राप्त है, मगर फिर भी जबरदस्ती पूर्णिया प्रशासन उनकी गाड़ी को जब्त करने पहुँच गई है। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि उनके जान को खतरा है, उन्हें मरवाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में तैनात गार्डों को हटा लिया गया है, उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सदर SDPO पुष्कर कुमार ने कहा कि डीजे लगी हुई गाड़ी सड़क पर लगी हुई थी, जिनका वे जाँच करने आए थे, अभी गाड़ी को जब्त नहीं किया गया है। भैया हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे, ईद और सरूर वाले में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है। महादेव का गाड़ी जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन की लेके हुए थे, ना कभी बजा ना ध्वनि है ना कुछ है। उसके बाद यही तो कारनामे, और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं हूँ, डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं, और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी CBI की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा DM साहब और SP साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा, और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट। मेरा ये सीधा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप खुद देख लीजिए। और ये जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, BMP गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, उसी दिन BMP गार्ड को हटा लिया गया था। मैंने कई बार पत्र लिखा, SP साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। कौन कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे थे? ये DJ की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडिंग के लिए रोड पर थी, 4 गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के अन्य पार्टियों की, सब कुछ बज रहा है, चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, और आप कार्यालय आ गए, तो इससे बड़ा गलत रवैया क्या हो सकता है। तो मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना, दो ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्ड के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है
और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं हम उसी चीज को करेंगे। इसलिए इसके पीछे वजह क्या लग रही है भैया? तो पूर्णिया की जनता, दूसरा कोई वजह नहीं। दुनिया की, इंडिया का 19 दिनों में एक ही सीट हॉट सीट बना हुआ हो, आप सोचिएगा, एक ही हॉट सीट बना हुआ है। तो ये प्रताड़ना जो आपको कब से लग रही है, कांग्रेस में शामिल होने के बाद से? आपको पता है कि बीएमपी हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ कई बार का वाय थ्रेट का, वाय श्रेणी का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और ये गाड़ी उठाने से पहले आपसे निजी तौर पे किसी तरह नहीं? नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना। और ये तो पे 26 तक मैं चुनाव आयोग के कानून के बाद तो मानू, यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार, दो ही बात हो। चलिए, कागज की जांच किया जा रहा है कि ये गाड़ी रोड पर था तो परमिशन के लिए गया था, इन्होंने बताया कि परमिशन के लिए गया था, उसका हमने लिया है कागज, उसको हम एसडीओ साहब के यहाँ भेजेंगे, सिंगल विंडो में आवेदन है कि नहीं है इसकी जांच। क्या आरोप क्या लगा हुआ है? जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं, आरोप क्या है? गाड़ी का जाँच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, डीजे बजा था कि नहीं, ये सब जाँच। कितनी गाड़ियाँ जब्त की जा रही है? अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रही, जाँच के लिए आएगा। शादी की धूम में चमकेगा आपका हर स्टाइल दी बिग शॉप के साथ, आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।